हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ की कंप्यूटर वर्कशीट, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर टू फाइल्स एंड फोल्डर्स। इससे रिलेटेड मैंने एक वर्कशीट बनाई है जो चैप्टर से इंक्लूडेड है। और इसके अलावा अगर आपको वर्कशीट के अलावा चैप्टर भी चाहिए तो उसके लिए मुझे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर लिखें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमें सही पर टिक लगाना है। जैसे इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसे बोलते हैं, MS विंडोज, MS वर्ड या MS पावर पॉइंट? आंसर इज़ MS विंडोज, यानी MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। MS वर्ड जो होता है ये हमारा एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हम डॉक्यूमेंट का काम करते हैं या टाइपिंग का। और PPT जो होता है हमारा क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है, अ फोल्डर कैन स्टोर। फोल्डर में क्या स्टोर कर सकते हैं, फोल्डर में हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर, फाइल या बोथ। फोल्डर में हम हमेशा क्या करते हैं, फोल्डर के अंदर क्या होता है कि फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा, फोल्डर क्रिएट करने के अलावा हम उसमें फाइल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बोथ। नेक्स्ट आता है, हाउ मैनी करेक्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड यूजिंग स्टार वाइल्ड कार्ड। कितने करेक्टर्स को रिप्लेस किया जा सकता है स्टार का यूज़ करके, 1, 2 या एनी। यहाँ पर आएगा एनी, क्योंकि हम किसी भी करेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, बाय विच की वी कैंसिल द करेंट टास्क, F1, एस्केप या F12। आंसर इज एस्केप। जब भी हम कोई टास्क में काम कर रहे हैं, एस्केप दबाएंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा या चला जाएगा। नेक्स्ट आता है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज फाइल। कर सकते हैं फाइल की तरह। अ फाइल हैज 3 पार्ट्स, फॉल्स। फाइल के 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी और एक्सटेंशन। नेक्स्ट होता है, डबल क्लिक ऑन एनी फोल्डर टू व्यू द कंटेंट, करेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, हम किसी भी फोल्डर को जब क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना होता है, तभी हमारा उसके अंदर फोल्डर है, फाइल है, जो भी उसमें कंटेंट पड़ा है वो सब हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है, द F7 की कैन बी यूज टू रिनेम अ फाइल। आंसर इज फॉल्स। F7 हमारा कुछ मतलब क्या होता है, सर्च करने के काम आता है। नेक्स्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन और डेटा। क्या आएगा इसमें आंसर, फाइल। फाइल क्या होती है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन या डेटा रख सकते हैं। अ फाइल नेम हैज 2 पार्ट्स, कौन कौन से, प्राइमरी एंड एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने कोई नाम लिखा है फाइल का, ram.docx, तो ये वाला जो होता है इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं और ये हमारा प्राइमरी कहलाता है। नेक्स्ट आता है, अ डैश होल्ड्स प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। अभी मैंने बताया था ये क्या होता है, फोल्डर। फोल्डर का काम होता है फोल्डर को स्टोर करना, प्रोग्राम्स को स्टोर करना या फिर फाइल्स को भी स्टोर करना। डैश इज़ द एक्सटेंशन फॉर ऑल MS वर्ड फाइल्स। क्या आएगा इसका आंसर, .docx। ये क्या होता है, MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन होता है। अब आता है, मैच द फॉलोइंग। हमें इसमें मैचिंग करनी है। मैंने इसमें शॉर्टकट कीज लिखी हैं और बच्चों को आप इस तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं। फर्स्ट है इसमें, मूव टू द टॉप ऑफ आर डॉक्यूमेंट। जब हमें मान लीजिए हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं और हमें क्या करना है, सबसे ऊपर क्या करना है, मूव होना है, और हम नीचे काम कर रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट में, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल होम। उसके बाद है, मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट। बॉटम का मतलब नीचे, यानी कि हमें एंड में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए की यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड। नेक्स्ट आता है, कैंसिल द करेंट
टास्क. आंसर इज एस्केप, ESC, एस्केप. नेक्स्ट अंडू एन एक्शन, हमने कोई काम किया है उसे हम नहीं चाहते तो उसको हम बोलते हैं अंडू. ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जेड. नेक्स्ट कट द सेलेक्टेड आइटम, हमने कोई सेलेक्ट किया है उसे हमें हटाना है या कट करना है तो उसके लिए हम की यूज़ करते हैं, कंट्रोल एक्स. नेक्स्ट पेस्ट द सेलेक्टेड आइटम, अगर हमने उसको हटाकर कट करके कहीं और डालना है या मूव करना है तो उसके लिए हम पेस्ट का यूज़ करते हैं, मीन्स कंट्रोल वी. पहले कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे सेलेक्ट करके, उसके बाद कंट्रोल वी. नेक्स्ट आता है कॉपी द सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है मीन्स वहाँ पर भी रहे और दूसरी जगह पर भी हमें वो चीज़ चाहिए तो उसको हम बोलते हैं कॉपी. तो कॉपी द सेलेक्टेड आइटम क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल सी. नेक्स्ट आता है कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स, हमें यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं उन्हें कंप्लीट करना है. सबसे पहला है FILE, फाइल. FOLDER, फोल्डर. ORGANISE, ऑर्गेनाइज. नेक्स्ट इनेबल, ENABLE, इनेबल. नेक्स्ट है एक्सटेंशन, EXTENSION, एक्सटेंशन. नेक्स्ट डिलीट, DELETE, डिलीट. नेक्स्ट आता है नेविगेट, NAVIGATE, नेविगेट. उसके बाद आता है रीस्टोर, RESTORE. इस तरीके से बच्चों को आप हार्ड वर्ड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं, पहले उनको स्पेलिंग लर्न कराएं उसके बाद हम इस तरह से उनको दे सकते हैं. नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, हमें यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिखनी है. फर्स्ट आता है फाइल, तो फाइल का मैंने अभी बताया था क्या होता है फाइल, जब भी हम उसके अंदर क्या रखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं तो हमारा हो जाएगा अ फाइल इज अ डॉक्यूमेंट. फाइल ही को ही हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं. और उसका क्या काम होता है, विच इज यूज टू होल्ड द इंफॉर्मेशन और डेटा.